इस तरह से हमने ये रेजिन वाली एक्टिविटी देखी, रेजिन वाली। तो रेजिन वाली एक्टिविटी भी जो है एग की तरह सिमिलर थी, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि रेजिन के अंदर कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, रेजिन के अंदर कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। तो अगर इसे आप डायरेक्टली भी सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दोगे, डायरेक्टली अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे तब भी हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत हाई है। ठीक है, आपने देखा है ना रेजिन के अंदर, किशमिश के अंदर का मटेरियल बहुत गाढ़ा होता है, बहुत थिक होता है। तो रेजिन के केस में कैसे करना है, पहले रेजिन लेना है, रेजिन को पहले नॉर्मल वाटर में डाल देना है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और फिर वापस क्या करना है, इसको सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल देना है। ठीक है, ये बड़ी वाली को, नई नहीं, बड़ी वाली को जो है सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे हम, तो क्या होगी, वापस अपने नॉर्मल साइज से जाएगी। तो इसके केस में कैसे चला कि पहले हमने वाटर के सॉल्यूशन में डाला तो रेजिन क्या हो गई, बड़ी, और ये बड़ी वाली रेजिन ले ली। तो तीन चार ले लेना, एक से मत करना, तीन चार ले लेना, तीन चार को वाटर के सॉल्यूशन में डालना, तो तीन चार रेजिन क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। और वापस जब उसको उसमें डालोगे आप लोग सॉल्ट के सॉल्यूशन में या शुगर के सॉल्यूशन में, तो वापस क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। तो ये इससे आपको पता चलता है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, और किसके थ्रू हो रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या जिसको आप जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हो। ठीक है, अब देखते हैं यूनिसेल्यूलर। तो जो सिंगल सेल वाले थे, यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो जो यूनिसेल्यूलर एनिमल्स होते हैं या जो है प्लांट सेल्स होती हैं, इसमें जो है वाटर कैसे आता है, गेन वाटर, इनमें वाटर कैसे आता है, ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस इसका प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। प्लांट रूट कैसे जो है इसे जो है एब्जॉर्ब करती है, ऑस्मोसिस से। ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर नहीं होगा कि प्लांट रूट कैसे करती है, प्लांट रूट भी ऑस्मोसिस से करती है, क्योंकि बाहर वाटर में जो है सॉल्ट का कंसेंट्रेशन कम होता है, प्लांट रूट के अंदर जो वाटर होता है उसमें अदर चीजें भी डिजोल्व होती हैं। तो जैसे ये प्लांट रूट है तो इसके अंदर जो वाटर के साथ साथ और मिनरल्स भी होते हैं, तो इसके अंदर कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा, तो इसीलिए फिर ये ऑस्मोसिस से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है प्लांट रूट्स। दस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन लाइफ ऑफ अ सेल। तो हमने इस तरीके से क्या देखा, डिफ्यूजन जरूरी है किसके लिए, गैसेस और वाटर के एक्सचेंज के लिए, गैसेस और वाटर के एक्सचेंज के लिए इन द लाइफ ऑफ अ सेल। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। तो सेल जो है भाई, अब वाटर और गैसेस तो मिल गई, अब केवल वाटर गैसेस से तो नहीं चलता ना, न्यूट्रिशन भी चाहिए, वो कहां से मिलेगा, एनवायरमेंट से, आसपास से। एनवायरमेंट का मतलब यहां पे एनवायरमेंट जो है, ऐसा नहीं है कि आपके आस पड़ोस की बात हो रही है, सेल के आस पड़ोस की बात हो रही है, सेल का एनवायरमेंट, ये सेल का एनवायरमेंट है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। तो देखो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट पता है ना, ट्रांसपोर्ट सामान आता जाता है। तो इसी तरीके से भाई, अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तीन चीजें तो हो गई, लेकिन अब और चीजों का भी तो देखना है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव इन या आउट। तो अंदर आते हैं जाते हैं कैसे, ऑफ द सेल, सेल के अंदर आते हैं जाते हैं कैसे, थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के द्वारा रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। तो कैसे आते जाते हैं, एनर्जी से एक ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी इसके लिए चाहिए होती है, उस तरीके से एक ट्रांसपोर्ट होता है जिससे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल अंदर आते और जाते। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी जिसे हम कह रहे थे, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर देखा था ना हमने, नाम एक ही है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, तो कैसी है ये, फ्लेक्सिबल है। तो ये फ्लेक्सिबल क्या होती है, जैसे इलास्टिक, तो अगर हमने खींचा तो बड़ी हो गई, तो इसे दबाएंगे तो पतली भी हो जाएगी, इधर खींचेंगे तो ऐसे भी हो जाएगी, तो फ्लेक्सिबल होती है मेम्ब्रेन। एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, किस चीज की बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका नाम क्या है, लिपिड्स और प्रोटीन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। अब देखो यहां पे एक वर्ड आया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखो वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कार्बन से मिलकर बनते हैं, ठीक है,
कार्बन से मिलके बनते हैं, बट कार्बन के साथ साथ उनमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होती है, या तीन हो सकते हैं, या तीन हो सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है, CO2 क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अलावा क्या है हमारा जो है, जैसे ये देखो ग्लूकोज लिखते हैं हम C6H11O6, तो ये क्या है? ग्लूकोज। ये भी क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने, इनको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी, जो चीजें भी कार्बन से मिलके बनती हैं, कार्बन जिसमें होता है तो वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जनरली इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी होता है। तो कार्बन से जो भी चीजें मिलके बनती हैं, कार्बन जिसमें भी होता है, वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जनरली इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जनरली, और ये वाले जिसमें तीनों होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत बार सुना है, तो उसमें क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ऐसे करके ये क्या है हमारा? ग्लूकोज। ऐसे करके एक यहां पे हमने एक गैस देखी थी CH4 भी क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एक। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समझ में आ गए। तो कौन से वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मेम्ब्रेन बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। लिपिड्स एंड प्रोटीन से। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी है, लेकिन हम इसे, इसका स्ट्रक्चर किससे देख सकते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, बहुत बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होते हैं वो किसी भी चीज को 400 गुना, एक्स का मतलब है इतने गुना, इतने टाइम्स बिगर दिखाते हैं। तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप 400 टाइम्स, जो कंपाउंड वाले होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी 400 टाइम्स से 1000 टाइम्स तक बड़ा दिखाते हैं नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होते हैं। और बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप भी होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो भी वो 2000 टाइम्स ही बड़ा दिखाएगा। एक्स का मतलब यह है टाइम्स, इतने इतने गुना बड़ा, ठीक है। तो 400 से 1000 टाइम्स बड़ा दिखाते हैं। बहुत अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा तो भी कितने टाइम्स बड़ा दिखाएगा? 2000। बट देखो ये कितना बड़ा दिखाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी चीज को 200000 गुना तक बड़ा कर देता है, 200000 गुना। तो देखो इससे भी 100 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम इसका स्ट्रक्चर देख पाते हैं। तो यानी इसका स्ट्रक्चर इतना छोटा होता है कि उसे केवल किससे देख पाते हैं? हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो फ्लेक्सिबल है, जैसे इलास्टिक फ्लेक्सिबल है। ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू एंगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ही क्या करती है, इसको हेल्प करती है फूड और अदर मटेरियल लेने में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो जैसे ये सेल है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फूड वगैरह है, तो ये कैसे लेगी? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। अभी देखेंगे कैसे। सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो इन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। तो अमीबा को फूड कैसे मिलता है? ऐसे ही प्रोसेसेस से मिलता है। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्या करती है, इसको जो है फूड लेने में हेल्प करती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। और अमीबा क्या करता है? फूड इसी तरीके से लेता है अमीबा। तो अभी इसमें दिखा नहीं रखा कि अमीबा कैसे फूड लेता है, लेकिन एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ के देखना, डिस्कस इट विद योर टीचर। तो मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना इंटरनेट में, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत महंगा होता है, बहुत बड़ी इमेज दिखती है। हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल, डिस्कस। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या प्रोसेस थी? डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन वाटर के लिए क्या थी? डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन? सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देने जाती है।
आने या बाहर जाने देती है। जैसे वाटर अंदर आ सकता है बाहर जा सकता है, लेकिन सॉल्ट अंदर आ या जा नहीं रहते, इसलिए इसका नाम क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।